कर रहा हो? तो आगे सर, हाँ तो देखो, अब आता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियंस, ठीक है। तो ए यूनियन बी जो होता है दैट इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ए यूनियन बी जितना होता है बी यूनियन ए भी उतना ही होता है। ए यूनियन बी जितना होता है बी यूनियन ए भी उतना होता है, ठीक है। मतलब कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड होता है। कॉम्पिटिटिव लॉ का मतलब है इन दोनों का अगर पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड होता है। सेकंड प्रॉपर्टी कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए सेट और बी सेट का यूनियन निकालो, जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ यूनियन निकाल दो, और ऐसे ही बी यूनियन सी निकालो और उसके बाद उसके साथ ए का यूनियन निकाल दो, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी, वापिस समझा दो ये सेकंड पार्ट ना। तो सपोज ए सेट है हमारा 1 2 3, बी सेट है हमारा 3 4 5 और सी सेट है हमारा 5 6 7, ठीक है। तो जो इसका जो एलएचएस है वो है ए यूनियन बी यूनियन सी। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब ए के जगह ए का सेट लिखूंगा मैं 1 2 3 यूनियन, बी के जगह बी का सेट लिखूंगा मतलब 3 4 5 यूनियन सी, सी का मतलब है हमारा 5 6 7। उसके बाद सबसे पहले इन दोनों सेट का यूनियन निकालूंगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, उसके बाद यूनियन 5 6 7। अब इन दोनों का यूनियन कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमारा आ गया एलएचएस, ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे ही जो आरएचएस है, आरएचएस है हमारा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए का मतलब हमारा सेट है 1 2 3 यूनियन, बी का मतलब हमारा है 3 4 5 यूनियन, सी सेट का मतलब है 5 6 7। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे ना, पहले इन दोनों सेट का यूनियन निकालेंगे, इन दोनों सेट का यूनियन निकालेंगे, तो ये होगा 3 4 5 6 7 हो जाएगा। और फिर इन दोनों का जो सेट है होगा, इन दोनों सेट का यूनियन निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो LHS इक्वल टू RHS आ गया, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, मतलब कि A यूनियन B यूनियन C इट इज इक्वल टू, अच्छा ये पहले यहाँ पे था ए यूनियन बी यूनियन सी। देखो आगे समझ में आ गया? यस सर, यस सर। उसके बाद है नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए, ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए। ऐसा क्यों होता है? देखो ए सेट हमारा 1 2 3 है ना, तो इसका जो एलएचएस है अगर मैं लिखता हूँ ये 1 2 3 है यूनियन फाइव, तो फाइव तो नॉन सेट, इसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो इन दोनों का यूनियन सिर्फ इतना ही आएगा 1 2 3 ही आएगा,
और वन टू थ्री जो है ये सेट ए ही है, क्या है सेट ए ही है। तो डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, तो इंडियन फाइव ए आ गया, आ गया समझ में। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी समझाने की जरूरत नहीं है ना, ए इंडियन बी, यहाँ पे ए इंडियन बी जो आएगा वन टू थ्री फोर फाइव आएगा, ठीक है, और यहाँ पे जो बी इंडियन ए है वो आ जाएगा थ्री फोर फाइव वन टू, तो समान चीज है, ठीक है। सर इनके प्रूफ आएंगे एग्जाम में, मतलब नहीं नहीं प्रूफ नहीं आएंगे, ये तुम्हें लर्न कर लेना, ठीक है, इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, तुम अगर इमेजिन कर पाते हो तो आराम से सारे कर सकते हो। अब ए इंडियन ए कितना होता है देखो, ए के साथ ए का यूनियन करोगे तो क्या आता है देखो, मैं खुद बताता हूँ, एक्चुअली ये ए होता है, बाकी कैसे होता है देखो, ए यूनियन ए का मतलब है, ए सेट का मतलब वन टू थ्री है यूनियन, फिर ए सेट का मतलब है वन टू थ्री, तो इन दोनों का यूनियन का मतलब वन टू थ्री, इन दोनों सेट का मतलब है वन टू थ्री, आ गया समझ में, yes. ठीक है, और वन टू थ्री का मतलब सेट ए ही है, तो ए यूनियन ए जो है ए आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, यूनिवर्सल सेट यूनियन ए, ये काफी बड़ा यू आता है, यूनिवर्सल सेट और ए का यूनियन, सो कुछ यूनिवर्सल सेट हमारा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, देखो इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट में ये ले सकता हूँ, तो दिस यूनियन ए, ए का मतलब वन टू थ्री कितना होगा, इन दोनों का जो यूनियन होगा क्या, सुनो मैंने ये लिया कि इन तीनों सेट का जो यूनिवर्सल सेट का मतलब है, जिस सेट में ये सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे वही तो यूनिवर्सल सेट होंगे ना, जिस सेट में सेवन हाईएस्ट होगा, और तो कोई बात नहीं तुम सेवन तक भी ले सकते हो, मैंने ऐसे एट नाइन दो रेंडम ले लिया मैंने, अच्छा आपने, अच्छा अच्छा कुछ भी ले सकते हो, तो ए तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सिक्स एट नाइन, अगर ये मैंने इन्वर्सल सेट लिया था तो ये यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा यू, तो जो ए कहाँ गया, तो जो यूनिवर्सल सेट यूनियन ए जो आ गया वो यू आ जाता है, क्या हो जाता है यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इज यू, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, क्या ये बेसिक चीजें हैं ये, ठीक है। अब आता है इंटरसेक्शन सबसेट्स, क्या है इंटरसेक्शन सबसेट्स, अच्छा ये समझ में आ गया जो प्रॉपर्टीज है, यस सर, ठीक है, इंटरसेक्शन साथ हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन कुछ एक्सरसाइज या कुछ क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ यूनियन का, जो एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.4, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, फटाफट बताना, ठीक है, जो एक्स सेट है उसमें एलिमेंट्स है 1 3 5, ये मैं फटाफट बुक खोल के लिख लेता हूं, एक्स सेट है 1 3 5 एंड वाई सेट है हमारा 1 2 3, बताओ x यूनियन y कितना होगा, ये होगा सर 1 2 3 5, 1 2 3 5, ठीक है, उसे सेकंड है ये है सेकंड, बताओ इस सेट में है a e i o u,
और बी सेट में एलिमेंट्स है हमारा ए बी सी, बताओ इसमें होगा सर ए बी ई आई ओ यू बी सी, क्या होगा ए ई आई ओ यू बी सी, ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट थर्ड पार्ट में है ए सेट इक्वल टू एक्स ऑफ दैट, एक्स ऑफ दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर, x is a natural number and multiple of 3 and multiple of 3 और b set है x such that x is a natural number, x such that x is a natural number less than 6, बताओ इसका a and b कितना होगा? 3 होगा, क्या होगा सर? 3 और 1 नहीं, गलत बोल रहे हो। अच्छा यार कोई आंसर दिए हो क्या चैट में? नहीं दिए कोई भी। अच्छा मैं बता दूं, पहले देखो कि ये क्या, अच्छा देखो लेस देन 6, सुनो सुनो ए सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, देखो ए सेट में उन सारे एक्स आएंगे और एक्स है क्या, एक्स एक नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, एक्स नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, तो कितना नेचुरल नंबर्स 3 का मल्टीपल होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। वो क्या क्या है? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ऐसे ही हो जाएगा, ये ए सेट आ जाएगा हमारा। समझ में आ गया? आ गया समझ में? Yes, उसके बाद बी सेट है, एक्स एक नेचुरल नंबर जो कि 6 से लेस है, तो कितना नेचुरल नंबर 6 से लेस होते हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। सिद्धार्थ तुम अपना ऑडियो बंद करो, ऑडियो बंद करो सिद्धार्थ, तुम्हारे वहां से डिस्टर्बेंस आ रही है। हाँ जब बोलना होगा ना सिर्फ ये जो स्पेस बार है वो प्रेस कर लेना। ये तुम क्या बोल पूछ रहे थे मैं सर? हाँ यही होगा ना 1, 2, 3, 4, 5। नहीं तो जो ए यूनियन बी आ जाएगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 6, 9, 6, 9, 12, 15 ये सारे हो जाएंगे। सर एक डाउट है इसका, पूछो पूछो डाउट पूछो। सबसे बोल रखा है कि नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर लेस देन 6 का मतलब नेचुरल नंबर लेस देन 6 का मतलब 1 2 3 4 5 होगा या नहीं? ठीक है, और ए सेट है सारे नेचुरल नंबर जो कि 3 का मल्टीपल है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। अरे मैं तुम्हें भी नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? सर फिर से नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही है यार? मेरा तो ठीक है। जो फोर्थ पार्ट है ये सिद्धार्थ तुम म्यूट करो, तुम म्यूट करो पहले। ए इक्वल टू x such that x is a natural number, x such that x is a natural number and 1 is less than x is less than equal to 6, और b है x such that x is a natural number and 6 is less than x is less than 10, बताओ। और उसके बाद लास्ट पार्ट मैं लिख लेता हूं 1, 2, 3, ए सेट है हमारा 1, 2, 3 और बी सेट है हमारा 5,
तो ए एन एन बी क्या होगा? तो बताओ इसका, बताओ फोर्थ वाले के जो ए है क्या होगा, वो होगा टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अरे ये होगा, हाँ ये सेट में टू थ्री फोर फाइव सिक्स है, मतलब एक्स एक नेचुरल नंबर है जो कि वन से बड़ा है, सिक्स है, सिक्स से छोटा है, तो ऑब्वियसली वो टू थ्री फोर फाइव सिक्स होगा। और बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? अरे वो भूमिका बताओ, बी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सेवन एट, सेवन एट नहीं सर, सेवन एट नाइन। हाँ सेवन एट नाइन आएगा, नहीं नहीं आएगा। अच्छा हाँ सेवन एट नाइन, मतलब x एक नेचुरल नंबर है। सीधा तो अपना म्यूट करो, म्यूट करो अपन सब। अरे तू म्यूट तो करो, तो मत देखो। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 6 बट लेस देन 10। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से बड़ा और 10 से छोटा है, तो कोई भी नेचुरल नंबर जो कि 6 से बड़ा और 10 से छोटा है वो है 7, ये 7 8 और 9 है, तीन नंबर्स हैं। तो अब इन दोनों का, अब इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो क्या क्या होगा? इन दोनों का यूनियन आ जाएगा हमारा 2 3 5 6 7 8 9। क्या हो जाएगा? 2 3 5 6 7 8 9। आ गया समझ में? हाँ सर। यस सर। अच्छा अब लास्ट क्वेश्चन आज का, जो ए सेट है वो 1 2 3 और बी सेट है 5। ए सेट है 1 2 3 और बी सेट है 5, ठीक है? तो देखो, तो ए सेट है हमारा 1 2 3 यूनियन 5, तो 1 2 3 यूनियन 5 कितना होगा? ये इससे पहले बता चुका हूँ, 3 होगा। हैं सर ब्रैकेट में, मतलब वो ब्रैकेट 1 2 3 ही होगा सर। हाँ 1 2 3 ही होगा, ये तो नौ सेट है, कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो 1 2 3 आएगा। 1 2 3 का मतलब ए सेट है। क्या है ये? ए सेट है। चलो हाँ सागरी का वेरी गुड, 1 2 3 ही है। तो ये था, तो ये था आज का क्लास, तो यहाँ पे ये मैं क्लास ओवर करता हूँ, ठीक है? सारे को समझ में आ गया ना सारे कुछ चीजें? आ गया समझ? क्या आवाज कट रही है? मेरी आवाज कट रही है क्या? अभी तुम्हारी आवाज कट रही है, काट पीट के आ रही है। अच्छा ओके सागर, क्या ऑलवेज वेलकम। अच्छा ठीक है, अरे मैसेज में तो मैं सेंड कैसे करूँ? अच्छा ये